मैं नविता, गाँव अहिमाचक, पंचायत खेरिया, जिला कटिहार। अहिमाचक में लगभग 60 से 65 वृद्धा आदमी है जिनको कि 10 महीना से वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। हमको ये फील है, नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन। कब से? कभी नहीं मिला है। तो इसके लिए आप मुखिया जी से बात किए हैं? हाँ, कहा मुखिया जी, कहा कि ये फील है, नहीं मिलेगा। परमिला देवी जो है, उनका उम्र 65 से 70 वर्ष है, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिल रहा है। उनका पति भी बीमार है और उनको एक भी संतान नहीं है जो कि उनका देखभाल कर सके। पूरे समस्या हमारा बर्बाद है कि कोई एक चूर सहारा नहीं है, एक टूप का पानी देने वाला कोई नहीं है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन नहीं, राशन कार्ड कुछ नहीं, हमारा कोई सहारे नहीं। कैसे रहते हैं आप? इसी तरह से ओकरा बोलते हैं, वो नहीं सुनता है, वो उसको हम देते हैं, उसको हम देते हैं। खाना पीना कैसे खाते हैं? इसी तरह से किसको मजा लगता है, कोई एक और धोखा दे देता है, हमारा खत्म है। समस्या यही है कि जाते हैं मुखिया के दरवाजा पर पेंशन कहने के लिए, कहते हैं कमा कर को रखा है, पास भी मांगते हैं, तो कहता है कि हम 3 नरुआ नहीं जीते हुए हैं, हमको जब मिलेगा तब देंगे। वीडियो यहां से ऑर्डर करके गया कि हम 10 रोज में हम देंगे, फिर देंगे। आज 12-13 महीना बीत गया, अभी तक कोई चर्चे नहीं है। हम लोग एकदम हम महादलित का परिवार का आदमी है। मैं चाहती हूं कि परमिला देवी को जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए, और जो भी वृद्ध आदमी है जिनका पेंशन रुका हुआ है उनको भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और मैं इसके लिए वीडियो जी से बात करने गए तो उनका कहना हुआ कि जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि सभी आदमी को रुपया वितरण किया जाए। और मैं कैमरा के आगे बोलने बोले तो बोले कि नहीं, हम कैमरा के आगे नहीं बोलेंगे, आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओंगण से अपील करती हूं कि वीडियो जी का नंबर है 94-31-81-83-30, इस नंबर पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं नविता, गांव अहिमाचक, पंचायत खेरिया, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।